अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी प्यारी रूम, आप देख रहे हैं अपनी प्यारी रुमैसा का चैनल रुमैसा 143। रुमैसा की प्यारी बातें, रुमैसा की प्यारी बातों से प्यार भरी खुशबू आए। आज की प्यारी और खूबसूरत सी बात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इंसान के अंदर एहसास होना चाहिए, और जिस बंदे के दिल में एहसास नहीं होता उसमें और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। सोचने समझने की सलाहियत जानवर में नहीं होती, इंसान में होती है। अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में एहसास डाला है। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप बहुत अच्छे हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते तो आपसे तो जानवर अच्छे हैं। क्योंकि अब हम जिस जानवर के साथ प्यार डाल लेते हैं ना, आप उसको एक दफ़ा एक इशारा करें वो फ़ौरन आपके पास आ जाएगा। उसको पता होगा मेरा मालिक मुझे बुला रहा है, ये प्यार है, ये एहसास है। ठीक है, अब देखें, कई दफ़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अक्सर आलमोस्ट जब हम लोग रोड्स पे जाते हैं, यकीन कीजिए अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह 100 दफ़ा ना करे, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, देखा था मैंने रोड एक्सीडेंट हो गया, तो लोग इतने इकट्ठे हो गए कि यकीन कीजिए उसे कोई बंदा पकड़ नहीं रहा उसकी बॉडी को, कोई उसके मुंह में पानी नहीं डाल रहा। जल्दी जल्दी मोबाइल पकड़ के उसकी फ़ौरन उसकी वीडियोस बना रहे हैं, फ़ौरन उसके जनाब वीडियोस बना रहे हैं। उसके 112 पे कोई कॉल ही नहीं कर रहा। व्यूज़ का लालच है, हमें व्यूज़ मिल जाए, हमें लाइक्स मिल जाए। चंद लाइक्स और चंद व्यूज़ के लिए एक इंसानी जान के साथ इतना बड़ा धोखा, नहायत अफसोस की बात है। अपने दिल के अंदर एहसास पैदा कीजिए। जिस कौम के अंदर एहसास ख़त्म हो जाता है ना, उसमें और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। जी तो मैं बात कर रही थी एहसास की, तो यकीन कीजिए चंद व्यूज़ के लिए हम लोग इतना अपना आप अपने फ़ायदे के लिए हम इंसानी जान के साथ इस तरह कर रहे थे कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं, उसकी कोई कदर ही नहीं। बहुत अफसोस होता मुझे ऐसे लोगों को देख के, और उन शोहरों पे बड़ा अफसोस होता है कि जिनकी बीवियां घर में भूख से मर रही होती हैं और वो बाहर से जाके खुद पाए खा रहे होते हैं, बाहर से बैठ के गोश्त खा रहे होते हैं, नान खा रहे होते हैं, ये खा रहे होते हैं, वो खा रहे होते हैं। देखिए अगर अल्लाह ताला ने बीवियों को आपके साथ जोड़ा है ना, तो कम अज़ कम उनका भी एहसास कीजिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको बच्चे दिए हैं ना, तो उनका भी एहसास कीजिए। जी जनाब, जैसे कि मैंने आपके साथ बात की है एहसास की, तो एहसास का मतलब ही यही है कि आप अगले के बारे में भलाई सोचें। जैसा कि आप मेरी वीडियोस को वॉच करके तो आप मेरा एहसास कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप मेरा एहसास करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी हर वीडियो में एक अच्छी बात छुपी है। और अगर अच्छी बात को फैलाएँगे तो वह सदका जारिया है। सम टाइम हम आपसे नहीं दे सकते, किसी को कुछ नहीं दे सकते, हम अल्फाज का सदका तो दे सकते हैं ना। अगर आप अल्फाज का भी सदका नहीं दे सकते तो आप वीडियो का सदका दीजिए, मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए। रुमैसा रुमैसा आपको जनाब दुआओं में याद रखेगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा, क्योंकि आपकी रुमैसा हमेशा आपका साथ चाहती है, आपकी सपोर्ट चाहती है। सपोर्ट कीजिए मुझे, आपके एहसास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।